हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ किरण और आज मैं बनाने वाली हूँ वेज चाउमीन या वेज हक्का नूडल्स। आमतौर पे हम चाउमीन या हक्का नूडल्स खाने रेस्टोरेंट या बाहर जाते हैं, मगर आज हम इसे घर पे बनाएंगे और स्वाद में ये बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी होगी। तो बिना कोई भी देरी किए चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। चाउमीन या हक्का नूडल्स बनाने के लिए सबसे पहले हम नूडल्स को बॉईल करेंगे। इसके लिए मैंने एक पैन में पानी लिया है। पानी के गर्म होते ही मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक मिलाएंगे। मैं यहाँ जो नूडल्स यूज कर रही हूँ उसके इंग्रेडिएंट्स में पहले से ही नमक है, तो इसलिए मैं यहाँ केवल आधा छोटी चम्मच नमक का यूज कर रही हूँ। आप अपने नूडल्स के पैकेट को आराम से पढ़ लें और देख लें कि उसमें नमक है या नहीं। अगर नमक है तो आप केवल आधा चम्मच नमक डालिए, अगर नहीं है तो आप पूरा 1 बड़ी चम्मच नमक डाल सकते हैं। अब हम इसमें नूडल्स डालेंगे क्योंकि पानी हमारा अच्छे से बॉईल हो चुका है। अगर आप ये लॉन्ग साइज वाले नूडल्स चूज कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे तोड़िए नहीं। आप तोड़ेंगे तो आपके जो चाउमीन बनेगी उसमें भी वो नूडल्स छोटे छोटे होंगे। हमें जो इनका साइज है वैसे ही डाल देना है। जैसे जैसे पानी में भीगेंगे ये आराम से बिना टूटे ही इस तरह से बेंड हो जाएंगे। ये देखिए, पानी में भीगने के बाद अगर हम इसे बेंड करेंगे तो ये टूटेंगे नहीं। इस तरीके से हमने सारे नूडल्स बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। थोड़ी देर बॉईल होने के बाद हम इसे चेक करेंगे। हम इस तरह से एक नूडल्स निकालकर हाथों से इस तरह से दबाकर देखेंगे। ये देखिए, नूडल्स हमारा आराम से 2 टुकड़ों में डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब अभी ये पूरी तरह से पके नहीं है, तो इसे हम थोड़ी देर और बॉईल होने के लिए रखेंगे और दोबारा से थोड़ी देर बाद हम फिर से एक नूडल्स को निकाल कर चेक करेंगे। ये देखिए, अभी भी नूडल्स अच्छे से पके नहीं है। ये देखिए, अंदर से हमारे नूडल्स अभी भी कच्चे हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम और बॉईल होने के लिए देंगे, लगभग 1 मिनट के लिए। और यहाँ पर ध्यान रहे कि हमें नूडल्स को ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, हमें केवल 80% ही बॉईल करना है। जब नूडल हल्के चिपचिपे, बाहर से चिपचिपे और अंदर से थोड़े टाइट हो, आप चक्कर देख सकते हैं नूडल्स को कि वो किस तरह से, ये देखिए इस तरीके से वो थोड़े इस तरह से टूटे, तो मीन्स आपके नूडल्स रेडी हैं। अब हम इन्हें निकाल कर ठंडे पानी से धो लेंगे। यहाँ पर फ्रिज के पानी का यूज़ नहीं करना है, हमें इसे साफ नॉर्मल वाटर से धो लेना है और अच्छे से, ये देखिए हमने इसे धोकर छान लिया है। ये देखिए, नूडल्स हमारे बिल्कुल खिले खिले हैं, आपस में चिपक नहीं रहे हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल और इसे नूडल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। इससे नूडल्स आपस में चिपकेंगे नहीं। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम एक बड़ी कढ़ाई में 4 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डालेंगे। चाउमीन या नूडल्स बनाने के लिए आप हमेशा बड़े मुंह वाली कढ़ाई का यूज करें। जब तेल हमारा गर्म हो जाए तो इसमें हम काटी हुई सब्जियां, मैं यहाँ सब्जियों में प्याज, शिमला मिर्च और पत्ता गोभी ले रही हूँ। आप इसमें गाजर भी ले सकते हैं या रेड या ग्रीन कैप्सिकम भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें प्याज डालेंगे और उसे हल्का सा स्टीर फ्राई करेंगे। हमें इसे ज़्यादा देर तक भूनना नहीं है, हल्का सा स्टीर फ्राई करेंगे और इसके बाद हम इसमें पत्ता गोभी डालेंगे। और इसे भी हम प्याज के साथ हल्के सा स्टीर फ्राई करेंगे और इसके बाद हम इसमें ग्रीन कैप्सिकम मिलाएंगे। अगर आपके पास रेड या येलो कैप्सिकम अवेलेबल हो तो आप उसे भी मिला सकते हैं, इससे आपके नूडल्स बहुत कलरफुल दिखेंगे। और इसे भी हम अच्छे से स्टीर फ्राई कर लेंगे। हमें सब्जियों को यहाँ पकाना नहीं है, हमें इन्हें हल्का सा स्टीर फ्राई करना है जिससे इनका कच्चापन दूर हो जाए। इसके बाद मैं इसमें मिलाऊंगी 1 टीस्पून नमक।
नमक हमने आगे शुरू में नूडल्स में भी डाला हुआ है और इसके बाद हमारे सॉसेस में भी नमक है, तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कीजिए। और इसके बाद मैं इसमें मिलाऊंगी 1 टीस्पून लाल मिर्च। यहाँ पर मैंने देगी मिर्च का यूज़ किया है। अगर आप रेड चिली सॉस का यूज़ करेंगे तो प्लीज़ लाल मिर्च को नहीं मिलाइए। और इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे 1/2 टेबल स्पून वेनेगर, वाइट वेनेगर का यूज़ करा है मैंने। 1 टेबल स्पून सोया सॉस, मैंने यहाँ डार्क सोया सॉस का यूज़ किया हुआ है, आप लाइट सोया सॉस का भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली सॉस और इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे 1 टेबल स्पून टमाटो सॉस या केचप, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे 2 टेबल स्पून भी कर सकते हैं अगर आपको इसका टेस्ट बहुत पसंद है तो। और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें मिलाएंगे नूडल्स। ये देखिए हमारे नूडल्स बिल्कुल खिले खिले हैं, आपस में बिल्कुल नहीं चिपके हैं क्योंकि हमने केवल इन्हें 80% ही बॉईल किया था और उसके बाद हमने डायरेक्ट ठंडे पानी से इन्हें धो लिया था। ये देखिए इस तरह से हम नूडल्स को सॉसेज और सब्जियों के साथ मिक्स कर लेंगे। आपको ये बड़े आराम से करना होगा जिससे कि नूडल्स टूटे ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, साथ में एक चम्मच या फॉक ले लेंगे और इस तरह से इसे मिक्स करेंगे जिससे कि नूडल्स भी ना टूटे और मसाला नूडल्स में अच्छे से मिल जाए। इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इस तरह से। तो ये देखिए हमारे हाक्का नूडल्स या वेज चाउमीन बिल्कुल तैयार है, वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में और बहुत कम ऑयल में, बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से। ये देखिए बहुत टेम्पटिंग लग रही है, तो चलिए फटाफट इसे सर्व करते हैं। मैं इसे एक प्लेट में सर्व कर रही हूँ। तो यहाँ हमने नूडल्स को सर्व कर लिया है, सच में ये बहुत यम्मी और टेम्पटिंग लग रहे हैं। मैं आपको थोड़ा पास से दिखाती हूँ, ये देखिए बिल्कुल खिले खिले रेस्टोरेंट स्टाइल नूडल्स जो बहुत कम ऑयल या बहुत कम सॉसेज में बने हैं। तो मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट पे बताइए। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।